नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। इस वक्त बाराबंकी जनपद के गन्ना दफ्तर मौजूद हूँ। यहाँ पर पीड़ित अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। आज भी कुछ पीड़ित थाना सुबेहा से आए हुए हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं, उनसे मुलाकात किया पुलिस अधीक्षक से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो पीड़ित आए हुए हैं किस समस्या को लेकर आए हुए हैं और पुलिस अधीक्षक से उनको क्या आश्वासन मिला है। हमारे पास पीड़ित मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी करना चाहूँगा। बहन जी, आप बताइए कि आपका क्या नाम है? रामपता है। अच्छा, तो आप आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया है, तो क्या समस्या है, क्यों आई हैं? समस्या सर हमारी है कि तेज बोलो, तेज। एक लोग बात करें, आप बात करो, उसके बाद आप बात करिएगा। बताइए। हम लोग को मारा पीटा है। को मारा है? जयराम और बलिराम। हाँ। सियाराम, सोहन लाल, नीरज। अच्छा, तो आप किस गाँव के निवासी है? जिन लोगों ने मारा है वो किस गाँव के निवासी है? पांडे का पुरवा के निवासी हम हैं, वही की पड़ोसी हैं। पांडे पुरवा के निवासी वो भी हैं, आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी। अच्छा, क्यों मारपीट किया है? क्या मामला, कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश है। क्या रंजिश है? रंजिश जमीन का झगड़ा। अच्छा। उनका हमारा रहा पहले का झगड़ा रहा, तो दीवार जमीन में बनाते रहे, नहीं बनाने देते। अच्छा, दीवार दरोगा साहब एक बार आए कर दीवार बनवाए ठीक है हमारी। अच्छा, तो उन लोग शांत हो गए रहे। उसके बाद फिर जो है शुक्रवार के दिन हम लोग जो है बिटिया घर पर रहे, चले गए गोबर कुरे। गोबर कुरे के जैसे आवर रहे तैसे सब लोग। अच्छा, मिलकर। अच्छा, क्या इससे पहले भी आपके साथ मारपीट किया है? हाँ। कब मारपीट किया, कितने दिन पहले मारपीट किया है? 2 साल लगभग, करीब करीब 1.5-2 साल पहले। हाँ, अच्छा अच्छा, तब भी आपकी FIR दर्ज की गई? नहीं की गई, दर्ज की गई लेकिन जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए जो है कार्रवाई नहीं हुई थी। नहीं हुई। अच्छा, अब की बार जो है मुकदमा दर्ज किया गया है? नहीं दर्ज किया गया है। अच्छा, तो पुलिस क्या कहती है कि आपके ऊपर मुकदमा, कैसे क्या मामला, पूरी बात बताइए। हम सब थाना गए। हाँ, तो सेवा साहब ने जब पत्र दिया प्रार्थना। हाँ, पत्र। हाँ, तो लोग कहे ना, वो लोग थाने में हमारे खिलाफ पार्टी वाले बैठे रहे। अच्छा अच्छा, तो उनसे कहा गया कि साहब जो है हमारा मुकदमा लिख लीजिए। तो कहें तुम लोग मक्कारी करते हो। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग उसको मारा पीटा, उसका सर फट गया है, जो है यहाँ मुकदमा लिखवाने आए, तो आप लोग जो है हम लोग उसके सर में मारा पीटा नहीं है। तो उसके सर में क्या चोट लगी है? चोट लगी लेकिन जी या नहीं समझ रहे हैं कैसे चोट लगा, वो अपने हाथ में अपने हाथ से सर था, जिस जमीन का झगड़ा। अच्छा। उनका उनका हमारा रहा पहले का झगड़ा रहा, तो दीवार अपनी जमीन में बनाते रहे, नहीं बनाने देते हैं। हाँ। अच्छा, दीवार दरोगा साहब एक बार आए कर दीवार बनवाई ठीक है हमारी। अच्छा, तो उन लोग शांत हो गए रहे। उसके बाद फिर जो है शुक्रवार के दिन हम लोग जो है बिटिया घर पर रहे, चले गए गोबर कुरे। गोबर कुरे के जैसे आवर रहे तैसे सब लोग। अच्छा, मिलकर। अच्छा, क्या इससे पहले भी आपके साथ मारपीट किया है? हाँ। कब मारपीट किया, कितने दिन पहले मारपीट किया है? 2 साल लगभग, करीब करीब 1.5-2 साल पहले। हाँ, अच्छा अच्छा, तब भी आपकी FIR दर्ज की गई? नहीं की गई, दर्ज की गई लेकिन जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए जो है कार्रवाई नहीं हुई थी। नहीं हुई। अच्छा, अब की बार जो है मुकदमा दर्ज किया गया है? नहीं दर्ज किया गया है। अच्छा, तो पुलिस क्या कहती है कि आपके ऊपर मुकदमा, कैसे क्या मामला, पूरी बात बताइए। हम सब थाना गए। हाँ, तो सेवा साहब ने जब पत्र दिया प्रार्थना। हाँ, पत्र। हाँ, तो लोग कहे ना, वो लोग थाने में हमारे खिलाफ पार्टी वाले बैठे रहे। अच्छा अच्छा, तो उनसे कहा गया कि साहब जो है हमारा मुकदमा लिख लीजिए। तो कहें तुम लोग मक्कारी करते हो। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग उसको मारा पीटा, उसका सर फट गया है, जो है यहाँ मुकदमा लिखवाने आए, और आप लोग जो है हम लोग उसके सर में मारा पीटा नहीं है। तो उसके सर में क्या चोट लगी है? चोट लगी लेकिन जी या नहीं समझ रहे हैं कैसे चोट लगा, वो अपने हाथ में अपने हाथ से सर फाड़ा। अच्छा अच्छा, और जब जो है जिसका साहब सर फटता तो ड्यूटी जाता है, चल ड्यूटी जा रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है। खाली एक दिन सर में जो है अंगोछा बांधा, उसके बाद ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, क्या है? मेरा नाम श्री रामराज गौतम है। अच्छा, आपके साथ जो पीड़ित आए हुए हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, मेरा नाम श्री रामराज गौतम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिला मीडिया प्रभारी हूँ, और अभी मैं जो है थाना सुबेहा को फ़ोन किए थे जी,
जो मेरे लोग ये पीड़ित आए हमारे पास, उन्होंने बताया अपनी दर्द, तो हमने दरोगा जी से बात की जी। दरोगा जी ने बताया जो है इन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया जी। मार खाए हैं ये लोग और जो है मुकदमा दर्ज किया है उन लोगों का, इनके विपक्षी दलों का। हमारे कहने का मतलब न्याय से दुनिया उठ चुकी है और न्याय नहीं मिलता है, कहीं पीड़ित इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब न्याय मिलना चाहिए। माध्यम से शासन प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ ये कि जो है वो घूस पर इधर उधर टिकते हैं और उधर उधर करवट बदला करते हैं और न्याय नहीं किसी को देते हैं। तो आप न्याय की मांग करते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि न्याय की तरफ दुनिया चले और न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिलेगा तभी जो है ये कहीं जा सकते हैं और किसी को पास अपनी फरियाद सुना करके बतावें और वो सुने, कम से कम न्याय मिले इनको, तो इनको एक रास्ता दिखाई देगा। धन्यवाद। अब जो है पीड़ित लोग यहाँ पर फरियाद लेकर के आए, पीड़ितों का कहना है कि वो नहीं चोटिल हुआ था लेकिन किसी तरीके से डॉक्टरी भी कराया है या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि पीड़ितों का कहना है कि हमको मारा पीटा है पुरानी रंजिश से एक बार ही, बल्कि इससे पहले भी एक बार मारपीट कर चुका है लेकिन पुलिस हमारी नहीं सुनती है, इसीलिए जो है दोबारा फिर मारा है। अब देखना यही है कि जो अपने बाराबंकी जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक एडवर्ड मस्त जी हैं, इस मामले को संज्ञान में लेकर के क्या कार्रवाई करते हैं, पीड़ितों को न्याय मिलेगा या न्याय नहीं मिलेगा। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, वही पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते हैं और पीड़ितों के साथ अन्याय होता है। यदि पीड़ितों के साथ अन्याय ना होता तो यहाँ से सुबेहार थाना करीब 40-50 किलोमीटर दूरी पर है, ये पीड़ित अपना थाना छोड़ करके यहाँ बारह की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ना आते। अब देखना यही है कि अपने पुलिस अधीक्षक जी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ, DS News 12।